दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इंसानों ने पृथ्वी पर करीब सारे इलाकों को खोज लिया है तो आप गलत हैं, क्योंकि पृथ्वी की भू सपाटी पर तो ऐसी कई सारी गुफाएं हैं, कई रिमोट एरिया हैं, ऐसी कई क्रेव्स हैं जहां पर हम इंसानों ने आज तक कदम भी नहीं रखा है। पर हम इंसानों के लिए इससे भी ज्यादा दुर्गम जगह एक है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, और वो है पृथ्वी के महासागर। जी हाँ, हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा इलाका, यूं कहे कि सबसे बड़ा रहस्य। हम आज हमारी धरती के महासागरों के बारे में सिर्फ 5% ही जानते हैं, और महासागरों की 95% दुनिया ऐसी है जिसके बारे में हमें कोई इल्म भी नहीं है। हो सकता है दोस्तों कि महासागरों की गहराई और उनके भीतर दबे कई राज के बारे में आप अनजान हो, और आज मैं इस वीडियो में इन्हीं रहस्यों को आपके सामने खोलूंगा। तो स्वागत है आपका द नॉलेज में, मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, और चलिए आज जानते हैं कि कितने गहरे हैं हमारे महासागर और उसकी हर एक गहराई पर जाने पर हमें कौन कौन सी चीजें मिलेगी। तो दोस्तों चलिए हम लगाते हैं गोता और आप पहुंच जाओगे समुद्र तल की 40 मीटर की गहराई पर, जहां समुद्रों का सबसे पहला पड़ाव आता है, और यहां तक लोग स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, और आमतौर पर ज्यादातर स्विमर्स यहां तक ही स्विम करते हैं। लेकिन दुनिया के जाने माने स्कूबा डाइवर हार्वर्ड नीच ने 214 मीटर की गहराई में गोता लगाकर रिकॉर्ड कायम किया था, और अमेजिंगली ये रिकॉर्ड उन्होंने सिर्फ एक सांस में पूरा किया था। लेकिन इनसे भी नीचे इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक आदमी गया था। कितना नीचे? तो 332 मीटर नीचे, और इस रिकॉर्ड को अहमद गबर ने बनाया था। और यहां से और नीचे करीब 443 मीटर नीचे जाने पर हमें विविध समुद्री जीव दिखाई देंगे, और ये गहराई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की हाइट के बराबर है। हम अगर इससे और नीचे और 500 मीटर की गहराई में जाते हैं तो हम पाएंगे कि ये ब्लू व्हेल मछली की मैक्सिमम डाइव लिमिट है, यानी कि ब्लू व्हेल मैक्सिमम इसी गहराई तक डाइव लगाती है। और यहां से और नीचे 535 मीटर का डीप लेवल पेगविन्स की मैक्सिमम डाइव लिमिट है, मतलब इस गहराई से नीचे पेगविन्स डाइव नहीं लगाते हैं। चले इससे और नीचे जाते हैं और हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यहां से और थोड़ा नीचे जाया जाए और हम पहुंच जाएंगे 700 से 750 मीटर की गहराई तक। यहां पर दोस्तों किसी इंसान का परमिशन के बिना जाना बहुत ही डेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इतनी गहराई में दुनिया के विकसित और पावरफुल देशों ने अपनी आधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन्स जगह जगह पर तैनात की हुई है। यहां से और नीचे करीब 830 मीटर की गहराई दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा की हाइट जितनी है, और इतनी गहराई में बुर्ज खलीफा अपने टॉप के साथ पूरा डूब जाएगा। यहां से नीचे जाने पर करीब 1000 मीटर की गहराई में जो विस्तार हमें मिलेगा, ये महासागरों का स्कैरी जोन कहलाता है, और इसे स्कैरी जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरज की किरणें बस यहां तक ही पहुंचती है, इससे आगे सूरज की किरणें नहीं जा सकती है, और यहां से आगे का विस्तार पूरा अंधेरे में है, और इसके अंदर की समुद्री जीव सृष्टि बेहद रोमांचक और खतरनाक है। इतनी गहराई में कोई भी इंसान बिना किसी उपकरणों के डाइव नहीं लगा सकता है, क्योंकि यहां का वाटर प्रेशर वीनस ग्रह के सरफेस के बराबर है, और इस लेवल पर बिना कोई इक्विपमेंट के कोई भी इंसान पल भर में मर जाएगा। इससे नीचे की 1200 मीटर की गहराई समुद्री कछुओं के लिए डीपेस्ट डाइव एरिया माना जाता है, और गहराई में करीब 2000 मीटर नीचे जाने पर हमें यहां पर बहुत ही अद्भुत, खतरनाक और रोचक जीव सृष्टि दिखाई देती है। याद रहे, यहां पर कुछ भी देखने के लिए हमें हाई पावर टॉर्च की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहां पर पाई जाने वाली एंग्लोफिश एक ऐसी प्रजाति है जिसे कुदरत ने ही उसके आगे टॉर्च दे रखी है। इसे लाइट फिश भी कहा जाता है, और इसके मुंह के आगे बायोल्यूमिनेसेंट लर्स लटके होते हैं जो एक टॉर्च की तरह चमकते हैं, और समुद्र की इतनी गहराई में अंधेरे में इस फिश को रास्ता दिखाते हैं। कुदरत भी बड़ी कमाल की चीज है दोस्तों। और गहराई में करीब 2200 मीटर के लेवल पर आपको स्पर्म वेल्स दिखाई देगी, और यहां पर आपको द डम्बल्स ऑक्टोपस भी दिखाई देंगे। ये समुद्री तल के सबसे डीपेस्ट लेवल पर जीने वाले ऑक्टोपस है, और डीप
4000 मीटर की गहराई के समुद्री एरिया को एब्विजल जोन कहते हैं और यहाँ का वाटर प्रेशर 11000 पाउंड्स के बराबर होता है। और ज्यादा नीचे करीब 4200 मीटर का डीप लेवल दुनिया के लगभग आम महासागरों का एवरेज डीप लेवल है, लेकिन दुनिया के कई महासागर इससे भी ज्यादा गहरे हैं। समुद्र तल से 6000 मीटर की गहराई वाले विस्तार को हेडल जोन कहते हैं और यहाँ का वाटर प्रेशर एक इंसान पर जंबो जेट विमान रखने के बराबर होता है। यहां से अगर और नीचे जाए तो 8848 मीटर की गहराई समुद्र तल से ऊपर जमीन के ऊपर माउंट एवरेस्ट की चोटी के बराबर है। और नीचे 10916 मीटर की गहराई का विस्तार वो विस्तार है जब इंसान सबसे पहले इतनी गहराई तक पहुंचा था और इतनी गहराई तक जाने वाले विरले डाउन वॉल्स एंड जैक पैकल थे और इन दोनों ने इतने डीप जाने का रिकॉर्ड सन 1960 में बनाया था। ये लोग उस वक्त की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की सबमरीन के साथ समुद्र की इतनी गहराई में गए थे और उनको सबमरीन की फास्टेस्ट स्पीड से इतनी गहराई तक जाने के लिए 5.5 घंटे से भी ज्यादा समय लगा था। और इतनी डीप में समुद्र के पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उनकी आधुनिक सबमरीन के ग्लासेस भी टूटने लगे थे और इसलिए वो महज 20 मिनट से भी कम वक्त वहां पर रुककर वहां से वापस लौट आए। लेकिन हम यहां से वापस नहीं लौटने वाले, हम आगे जाने वाले हैं। इससे भी और नीचे 10972 मीटर की गहराई आसमान में किसी एयरलाइंस के हाईएस्ट लेवल पर सफर कर रहे इंसान और पृथ्वी की सतह के बीच के फासले के बराबर है। आमतौर पर हवाई जहाज 10,500 मीटर से 11,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं और वहां ऊपर से आपको नीचे जो जमीन दिखाई देती है ये गहराई पृथ्वी की सरफेस से यानी कि समुद्र तल से उतनी ही नीचे है। और उससे भी नीचे 10,994 मीटर की गहराई आज तक की हम इंसानों द्वारा नापी गई समुद्र की डीपेस्ट गहराई है और इसे द चैलेंजर डीप भी कहते हैं। इस गहराई को वेस्ट पैसिफिक महासागर में नापा गया है और इस जगह को मारियाना ट्रेंच कहते हैं। पैसिफिक महासागर के अंदर खोजा गया ये पॉइंट आज तक का पृथ्वी पर खोजा गया सारे समुद्र तल का सबसे डीपेस्ट लेवल है, पर माना जाता है कि समुद्र इससे भी गहरा है, लेकिन आज तक हम उन जगहों को खोज नहीं पाए हैं। माना जाता है कि हम इंसान सिर्फ 5% ही समुद्री विस्तार को आज तक खोज पाए हैं और बाकी का 95% समुद्री विस्तार ऐसा है जहां तक आज तक हमारी नजर नहीं गई। हो सकता है कि भविष्य में हमें और भी गहरे समुद्री लेवल की जानकारी मिले और ये भी हो सकता है कि हमें वहां पर ऐसी जीव सृष्टि मिले जो हमारे लिए किसी एलियन से कम ना हो। हो सकता है कि हमें समुद्र में भविष्य में कोई नई दुनिया ही दिख जाए या कोई अनजान एलिमेंट्स या अज्ञात नैसर्गिक खजाना भी हमें मिल सकता है। इंसानियत की ये खोज जारी रहेगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए हमारे चैनल द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे मिलेंगे फिर एक नॉलेजेबल एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, टेक केयर।